बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज मस्जिद पेंशन मोहल्ला में हम आज ईद मिलाद मना रहे हैं। यहाँ की रिवायत है कि 12 रबीउल अव्वल को यहाँ पर जो बड़ा मैदान कहा जाता था वहाँ पर और छोटे मैदान में हमारे बचपन से लेकर हम देखते हुए आते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या होता है। ईद मिलाद नबी बहुत वसी पैमाने पर और पूरे बेंगलुरु के लोग यहाँ पर क्या हुआ इकट्ठा होते थे, तो अब यहाँ पर कोई वजूहत की बिना पर अब वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आज हमने और हमारी कमेटी वालों ने यह सोचा कि क्यों ना हम हमारी मस्जिद में हम खुद जश्न मीलादुन्नबी मनाएं। यह हमारी खुशकिस्मती है और हम समझते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हमारी इस कमेटी के साथ होगी और फिर हम सब तमाम मिलकर इस मस्जिद के कारकुनान बहुत खिदमत करेंगे और जहाँ तक हो सके हम इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहेंगे और लोगों के सामने हम कभी भी हंसी मजाक नहीं बनेंगे और हम जहाँ तक हो सकेंगे हम इस खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जो कमेटी है जो मेम्बरान हैं वो मेरा साथ देंगे और मैं भी उनका साथ दूंगा और हम सब मिलकर हमारे जो जो हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक साल के अंदर अगर हो सके तो इन प्रोग्रामों को हम बहुत जल्द कामयाब बनाएंगे। इससे पहले यहाँ पर मैदानों में ईद मिलाद के जलसे होते थे लेकिन पहली मर्तबा क्या यहाँ पे हो रहा है या इससे पहले भी होता था? यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, पेंशन मेले में नहीं हुआ था। असल में यह होता था कि छोटे मैदान में होता था और बड़े मैदान में होता था। बड़े मैदान में जब क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया है उस वक्त से रोका गया और ये छोटे मैदान का जो मैदान में जो होता था ये बहुत यानी हमारे बचपन से हम यहीं पर आते थे और इस वक्त बाहर से बहुत बड़े उलमा इकराम आते थे तो उसी वक्त उन उलमा इकराम का तकरर यहाँ पर जो मिलाद के जलसे होते थे उसमें उनको बुलाया जाता था। लेकिन चंद वजूहत की बिना पर तो आप लोग जानते हैं, हमारी कौम जानती है कि यहाँ पर शीरा बिखेरा गया तो उसके बाद अब क्या हो गया कि अब ये जो छोटे मैदान में जलसा होता था वो जलसा अब वो जो क्रिश्चियनों की YMCA है वहाँ पर हो रहा है और फिर उसके बाद यहाँ तोकल मस्तान शाह दरगाह में जो है वहाँ पर हो रहा है और आज शाम में रात को फिर यहाँ पर हम जो हमारा ईदगाह है वहाँ पर जैसे मीलादुन्नबी मनाया जा रहा है। हम तो अल्लाह ने ऐलान कह चुके हैं और हमारे नायब सर हर वक्त इस बात की तरफ तवज्जो देते हैं कि हमने जो जो वायदे किए हमने तो हमारे मैनिफेस्टो में दे दिया है और हमारे तमाम लोगों को और तमाम हमारे मस्जिद के जो मुसल्लियाँ हैं सबको मालूम है और हमारा काम शुरू हो चुका है और हमने जो जो छोटे छोटे काम किए पहले मदरसा हमारे शुरू करना था तो हमने मदरसे का आगाज़ कर दिया है और मदरसा चल रहा है और जहाँ तक तामीरात का काम है तामीरात के काम में भी हमने काम शुरू कर दिया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और बहुत बड़े हमारे मंसूबे हैं, अगर अल्लाह चाहा हुजूर की हमारे साथ रहम करम होगा तो ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे और हमारी कौम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। उर्दू जबान सिखाने हाँ उर्दू हाँ वो तो अभी अभी शुरू हो चुका है, शुरू हो गया अरबी तालीम के साथ साथ उर्दू जबान भी यहाँ पर सिखाई जा रही है। देखिए हम पहली मरतबा इस मस्जिद में जलसे सीरत नबी का जलसा रखा हुआ है इसलिए कि छोटे मैदान जैसा कि हमारे सदर साहब कहा वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, उम्मीद नहीं आगे हमें मैदान मिलता है या नहीं मालूम नहीं, इस लिहाज से हम सोचते हैं हम इस सूरत नबी के मौके पर सारे हमारे मुसल्लियों को जमा करके इकट्ठा करके उन्हें खुश करेंगे का करने के हम सोचे। कुछ लोगों के दिल में अभी भी कीना कपट है तो हमने दावत दी थी सीरत नबी के जलसे की फिर भी बावजूद उसके मोहल्ले के बहुत सारे लोग गायब हैं, इसलिए मैं आजिज़ाना गुजारिश कर दूँगी अपनी कीना कपट छोड़कर अल्लाह रसूल के लिए काम करें और इस मस्जिद के तरक्की के लिए दुआ करें। हम तो काम तो इंशाल्लाह शुरू हो गया, उर्दू बोले अब उर्दू भाई उर्दू और अरबी दोनों मिलाकर शुरू कर दिए और दूसरा क्या है एक नायब इमाम का भी इंतखाब कर रहे हैं ऑलरेडी उनकी भी टेस्टिंग शुरू हो गई है और जो भी मस्जिद का काम जो भी रिपेयरिंग रिपेयर जो था दो आप देख रहे हैं काम सभी लोग देख रहे हैं सभी ऊपर का वाटर प्रूफ था शादी महल का सभी शुरू कर ऊपर की बिल्डिंग का सभी शुरू कर दिए हम। अब बार बार हम ये कहना मुनासिब नहीं समझते कि उन लोगों ने नहीं किया ऐसा किया वैसा, अब हम आ गए हैं हम जिम्मेदारी ले ली हैं इंशाल्लाह हम करेंगे।
करेंगे तो ये जिम्मेदारी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है सर आपके लिए। हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी। हमारे सबसे ज्यादा आदमी लोग पसंद करें दे या ना करें दे, बस हमको तो अल्लाह ताला को पसंद करना है, खुश करना है और उसको दिखाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान को अपने आमाल के साथ हिसाब किताब होता है। अब हम आदमियों को दिखाकर क्या करना है, यहाँ पर बस अल्लाह को दिखाना है, अल्लाह को खुश करना है। अस्सलाम वालेकुम, जश्न मिलादुन्नबी की आप सबको मुबारकबाद, सारे आलम को मुबारकबाद। आज का जो दिन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए आए हैं, ना सिर्फ एक हमारे लिए, हर कौम के लिए, हर इंसानियत के लिए आए हैं। उनका आना हमारा एक राहिल रहबर के आने के बराबर है। आज इस खुशी के मौके पर मैं सब मुसलमान भाई को, बहनों को और सारे आलम के इंसानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ ईद की, ईद मिलादुन्नबी की।